हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीबी टेक्निकल वर्ल्ड। माय नेम इज दीपांशु बहल एंड गाइस आज हम करने वाले हैं एक कंपैरिजन, और कंपैरिजन होने वाला है गाइस इंडियाज फर्स्ट 5G फोन के साथ, जो कि है गाइस हमारा रियलमी का X50 प्रो। और साथ में कंपैरिजन होगा गाइस एप्पल आईफोन 11 का। इन दोनों फ़ोन को आज हम कंपेयर करेंगे, दोनों के फीचर्स को, स्पेसिफिकेशंस को, और गाइस देखेंगे कौन सा बेस्ट निकल के आता है प्राइस वाइज एंड फीचर वाइज दोनों। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो रियलमी की बात करें तो यहां आपको मिल जाती है 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। साथ ही में आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। और वही मैं अगर आपसे आईफोन 11 की बात करूं तो वहां आपको मिलती है 6.1 इंचेस की लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले। साथ में आपको मिलती है 625 निट्स की ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज का टच सेंसिंग डिस्प्ले। गाइज यहाँ पे आपको Realme X50 Pro में मिल जाती है सुपर एमोल्ड, साथ में है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, बट एप्पल में गाइज आपको यहाँ पे मिलती है IPS LCD डिस्प्ले। तो गाइज Realme में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। गाइज अगर वीडियो में कलर्स की बात करें तो दोनों में आप 4K वीडियोस प्ले कर सकते हैं और दोनों के कलर्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। वैसे आपको आईफोन में 625 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, बट वही Realme X50 Pro में आपको HDR 10 Plus का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो Realme में गाइज आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 865, साथ में आपको मिल जाता है Android वर्जन 10 एंड इंटरफेस है Realme का UI 1.0। एंड iPhone 11 में गाइज आपको मिलता है Apple का A13 Bionic चिपसेट, जो कि वर्क करता है iOS 13 पे। गाइज अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो Qualcomm का Snapdragon 865 ज़्यादा स्पीड देता है एज़ कम्पेयर टू A13 Bionic चिपसेट। तो प्रोसेसर में भी गाइज Realme थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू iPhone 11। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो Realme X50 Pro की बात करें तो वहाँ आपको मिल जाती है मेटेलिक बॉडी, और बैक साइड की तरफ नज़र डालें तो वहाँ आपको मिलती हैं कर्व साइड्स, साथ में है क्वाड कैमरा, Realme का लोगो, और सबसे बड़ी बात गाइज पीछे की बॉडी जो है वो आपकी स्क्रैचलेस है बिकॉज ये मैट फिनिश के साथ आती है। फ्रंट साइड पे आपको मिलता है एक पंच होल कैमरा, सिंगल सिम स्लॉट में आप डबल सिम लगा सकते हैं गाइज, और ऊपर की तरफ आपको एक सेकेंडरी माइक भी दिया हुआ है। वहीं iPhone 11 की तरफ नज़र डालें तो वहाँ भी आपको मिल जाती है मेटेलिक बॉडी, बैक साइड पे एक सेंटर में लोगो दिया हुआ है, साथ में आपको मिल जाता है डुअल कैमरा, फ्रंट साइड पे आपको मिल जाती है एक नॉच जिसमें आपको दिया हुआ है कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर्स, और साथ में लेफ्ट साइड में देखें तो आपको मिल जाता है यहाँ पे साइलेंट शटर। बट गेस व्हाट गाइस, आपको यहाँ पे Realme X50 Pro में भी एक फीचर मिलता है जहाँ पे आप इंस्टेंटली इसको साइलेंट कर सकते हैं। सेंसर्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको आईफोन 11 में सिर्फ फेस आईडी देखने को मिल जाती है, बट Realme X50 Pro में आपको फेस आईडी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है गाइस, तो यहाँ पे आपको ड्यूल सिक्योरिटी मिल जाती है। बैटरी में भी गाइस आपको यहाँ पे 4200 MAH की बैटरी मिलती है Realme में, जिसके साथ आपको मिलता है सुपर डार्ट 65 वॉट्स का चार्जर जो आपका सिर्फ 35 मिनट्स में फोन को फुल चार्ज कर देता है। वहीं iPhone 11 में आपको मिलती है 3110 MAH की बैटरी, बट साथ में आपको सिर्फ 5 वॉट्स का चार्जर दिया गया है गाइस। फोन सपोर्टेबल है 18 वॉट्स, बट बॉक्स में आपको सिर्फ 5 वॉट्स का चार्जर मिलेगा। अब बात करें अगर कैमरे की, तो कैमरे में आपको iPhone 11 में सिर्फ डुअल कैमरा मिलता है, जो कि 12 MP का वाइड एंगल कैमरा और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। बट Realme X Pro में आपको मिलता है क्वाड कैमरा, जो कि आपको 64 MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 12 MP का आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो कि एक 2x ऑप्टिकल जूमिंग कैमरा है, साथ में है 8 MP का कैमरा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए एंड 2 MP का कैमरा पोर्ट्रेट व्यूज के लिए। सो गाइज यहाँ दिए हैं मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि लेफ्ट साइड पे है iPhone के और राइट साइड पे है Realme के। नो डाउट यहाँ पे दोनों के कैमरेज बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे Realme X50 की जो पिक्चर्स हैं बहुत ही अच्छी आई हैं गाइज। सो इनिशियली अगर आप प्राइस की बात करें तो आपको यहाँ पे Realme X50 Pro अराउंड 25,000 to 30,000 सस्ता मिलता है,
as compared to iPhone 11. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गाइज, दिस इज दीपांशु बहल, जय हिंद।